नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 6000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 148 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 6096 हो गई है। पाए गए मामलों के प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 3, औरंगाबाद में 3, बांका में 2, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 13, भोजपुर में 2, बक्सर में 6, दरभंगा में 1, गया में 1, जमुई में 1, जहानाबाद में 5, कैमूर में 7, कटिहार में 11, खगड़िया में 1, किशनगंज में 1, लखीसराय में 2, मधुबनी में 10, मुजफ्फरपुर में 14, नालंदा में 3, पश्चिम चंपारण में 4, पटना में 5, पूर्वी चंपारण में 2, पूर्णिया में 1, रोहतास में 13, सहरसा में 8, समस्तीपुर में 8, सारण में 7, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 5 और वैशाली में 1 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 3316 पर। बिहार में जहां एक तरफ कोविड-19 के मरीज लगातार मिलते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन जारी किए गए शाम 4 बजे तक के अपडेट के अनुसार अब तक कोविड-19 से 3316 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन तक 116671 सैंपल की जांच करने के बाद 6000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि भी की गई है। वहीं कोविड-19 की वजह से बिहार में अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में सभी विश्वविद्यालयों में लिए जाएंगे ऑनलाइन एडमिशन। हर साल जहां एडमिशन के लिए सभी छात्रों को कॉलेज के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं इस साल सभी छात्रों के एडमिशन का काम ऑनलाइन माध्यम से करवाया जाएगा, क्योंकि बिहार में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने यह निर्देश जारी किया है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इतना ही नहीं, निबंधन कार्य भी समय पर पूरा किए जाने की बात कही गई है। खबरों की माने तो राज्यपाल फागू चौहान ने इससे संबंधित जानकारी सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों को मौजूदगी में पटना के शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा करने के बाद जारी कर दिया है। बिहार में फिलहाल नहीं खोले जाएंगे स्कूल और कॉलेज। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने बीते दिन बिहार में स्कूल और कॉलेज खोलने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए फिलहाल बिहार में शैक्षणिक संस्थान नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक करेगा, जिसमें इस बात का फैसला लिया जा सकता है कि बिहार में शिक्षक संस्थान खोलने हैं और किस हिसाब से खोले जाने हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में 35 छात्र हुए सफल। जमुई के सिमलतुल्ला आवासीय विद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में 35 छात्रों के सफल होने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार वर्ग दशम के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा भारत में राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति योजना है, जहां पर उच्च बौद्धिक एवं शैक्षणिक क्षमता वाले छात्रों की पहचान की जाती है। जहां पहले लेवल के तहत प्रतियोगिता स्टेट स्तर पर आयोजित करवाई जाती है। छात्रों की सफलता के बाद प्राचार्य डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा है कि प्रथम लेवल में सफल हमारे सभी छात्र निश्चित तौर पर द्वितीय लेवल पर भी खुद को चयनित कराकर विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। कोसी नदी पर बनने वाले 7वें पुल के लिए टेंडर हुआ जारी। कोसी नदी पर बनने वाले पुल को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर के अनुसार स्कूल को बनाने में कुल मिलाकर के 1169 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं अधिकारियों की माने तो 4 लेन पुल के टेंडर की प्रक्रिया 5 महीने में पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद ही निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा। वहीं निर्माण कार्य शुरू होने के बाद 3 साल के अंदर इसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से मधेपुरा और सुपौल के जिलेवासियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। सभी संविदा कर्मियों की नौकरी 26 जुलाई के बाद होगी खत्म। बिहार बोर्ड के संविदा पर नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारियों की नौकरी 26 जुलाई के बाद खत्म कर दिए जाने का फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने अपना आदेश जारी करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि समिति में संविदा के आधार पर कार्यरत सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों को 11 महीने के पहले नियोजन के बाद समय समय पर 11 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया जाता रहा है। इसी क्रम में अब 26 जुलाई के बाद इन्हें इनके काम से मुक्त कर दिया जाएगा। बिहारवासियों को गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। जहां एक तरफ बिहारवासियों का गर्मी से बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बिहारवासियों को राहत भरी खबर सुनाई है। मौसम विभाग के माने तो बिहार के 15 जिलों में जल्द ही बारिश होने की संभावना जताई गई है। जारी किए गए पूर्वानुमान में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में हवा के दबाव के कारण बादल उड़ीसा और झारखंड से होते हुए बिहार पहुंचेंगे, जिससे समय पर बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में राजधानी पटना के अलावा जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, कटिहार समेत अन्य जिलों में बारिश होने के आसार जताए गए हैं। 15 तारीख से महात्मा गांधी सेतु पुल से उत्तर बिहार जाना होगा आसान। सभी बिहारवासियों के लिए खुशखबरी, अगले महीने से सभी बिहारवासियों को 2 पुलों पर परिचालन की अनुमति मिल जाएगी, जिसके बाद 2 नए पुल ऐसे होंगे जिस पर आवागमन शुरू हो जाएगी, जबकि 1 पुल ऐसा होगा जिसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। जारी किए गए ताजा रिपोर्ट के अनुसार मंजूरी मिलते ही इन पुलों का उद्घाटन और शिलान्यास करवा दिया जाएगा। वहीं अब इन पुलों पर परिचालन के शुरू होने की वजह से उत्तर बिहार जाना अब सभी आम नागरिकों के लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा।
अंतिम चयन के बावजूद बिहार के 5 डीएसपी अब तक है गायब। बिहार के 5 डीएसपी को लेकर इन दिनों काफी सवाल जवाब सुनने में मिल रहे हैं, जहां तक कि सरकार भी 5 डीएसपी अधिकारियों की खोज में लग गई है। खबरों की माने तो 5 चयनित अधिकारियों ने अब तक पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान नहीं दिया है। इन लोगों की गैर हाजिरी रहने के लेकर गृह विभाग ने अंतिम पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर 15 जुलाई तक यह 5 डीएसपी अपना योगदान नहीं देते हैं तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करने का निर्णय लिया जाएगा। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर लालू यादव ने अपने समर्थकों के नाम लिखा पत्र। 11 जून को लालू प्रसाद यादव ने आधिकारिक तौर पर अपना जन्मदिन मनाया था। हालांकि अपने जन्मदिन को मनाने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों के नाम एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपने सभी समर्थकों को धन्यवाद दिया था। इस पत्र में लालू यादव ने लिखा कि जन्मदिन पर आपकी ढेर सारी बधाई से बेहद ही अभिभूत हूं। वर्तमान परिस्थिति में आपकी एक एक बधाई मुझे इस मुश्किल भरे समय से निकालने में हिम्मत देगी। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ में भी लिखा कि तेजस्वी से मैंने कहा कि तुम्हारी कच्ची उम्र में तुमने जो किया है मुझे उस पर गर्व, तुम्हें रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। निफ्ट पटना के 2 छात्रों ने बनाया लोगो डिजाइन। निफ्ट पटना ने लोगो डिजाइन में नई उपलब्धि हासिल की है। यहाँ के 2 विद्यार्थियों ने पहले और दूसरे स्थान पर अपना कब्जा जमाया है। आपको बता दें, इनोवेशन इंक्यूबेटर के लिए देश भर में अन्य संस्थान के बीच प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। ऑनलाइन आयोजित इस प्रतियोगिता में 90 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था, जिसमें छात्र छात्राओं का चयन अंतिम राउंड के लिए हुआ था। पटना के फैशन कम्युनिकेशन के श्रेयसी मिश्रा और सूरज असावा ने बाजी मारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2020 में सरकार बनाने पर किए कई वादे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से एक बार और मौका देने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने वर्चुअल संवाद के दौरान सभी आम नागरिकों से बड़ा वादा किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन जहानाबाद और अरवल के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने किसानों से वादा करते हुए उनके खेतों में पानी पहुंचाने का वादा किया है, जहां उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। इस बार सरकार किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाएगी। बिहार के 2 विभागों में सचिव का हुआ तबादला। बीते दिन बिहार के 2 अहम विभागों के सचिवों का तबादला कर दिया गया है। खबरों की माने तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार सीनियर अधिकारी पंकज कुमार पाल और विनय कुमार का तबादला कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव ग्रामीण कार्य विभाग में बिठा दिया गया है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार को अगले आदेश तक सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। रिजर्वेशन को लेकर रामविलास पासवान ने की मांग। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बीते दिन आरक्षण के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर संविधान की 9वीं सूची में इसे शामिल करने की मांग उठाई है, जिसके तहत उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि आरक्षण के मुद्दे पर बार बार परेशानियां देखने को मिली है। आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट की उपज है। इस बार पटना के डूबने के आसार है कम। पिछली बार अक्टूबर के महीने में हुई बारिश ने पूरे पटना को डुबो दिया था, मगर इस बार बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस बात का दावा किया है कि इस साल बारिश में पटना नहीं डूबेगा, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया था, जहां पर उन्होंने लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि बंद की वजह से कुछ काम बाकी जरूर है। सब हाउस के लिए पंप सेट आने में भी देरी हुई है, सफाई का काम भी अधूरा रह गया, जिसे अब जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनावी तैयारी करने का दिया आदेश। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के अब निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को इस संबंध में जिलों में ईवीएम को मंगाने और सभी बूथों का निरीक्षण करने समेत सभी कामों को समय पर करने का पूरा निर्देश जारी किया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार चुनाव में इस तरह की तैयारी और बैठक का आयोजन पहली दफा किया जा रहा है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने उक्त बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कही है। भाजपा की तरह जदयू भी जल्द ही करवा सकती है वर्चुअल रैली। कुछ दिनों पहले गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार भाजपा की वर्चुअल रैली का आयोजन करवाया गया था। वहीं अब जदयू भी जल्द ही अपने वर्चुअल रैली का आयोजन करवा सकती है, जिसके तहत जदयू नेता संजय झा ने कहा है कि वह भी अब भाजपा की तरह वर्चुअल रैली करेगी। रैली की तैयारी पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि सब कुछ सही चला तो इस रैली का संबोधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। मधेपुरा रेल कारखाना में इस महीने 14 इंजन दिखी पटरी पर। बिहार के मधेपुरा जिले रेलखाना में भारत देश का सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स क्षमतावान इंजन का निर्माण कार्य जोर शोर से हो रहा है। एक महीने में अब तक 14 एसी इंजन तैयार करते हुए भारतीय रेल की पटरी पर चलाने के लिए निकाला जा चुका है। वहीं बीते दिन भी मधेपुरा रेल कारखाना से 4 एसी विद्युत इंजन को और निकाला गया है। वहीं आपको बता दें, इन इंजनों को आवश्यकता अनुसार रेलवे का ट्रैफिक विभाग मालगाड़ी में लगाकर परिचालन करवाएगा।
पहली एसएलबीसी बैठक में साख योजना के उपलब्धियों की समीक्षा होने की कही गई बात, जिसकी जानकारी बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने देते हुए बताया है कि 15 जून को आयोजित होने वाली 2020-21 की पहली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में 1.45 लाख करोड़ की राज्य साख योजना की उपलब्धियों की समीक्षा होगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत बिहार में ऋण वितरण की स्थिति भी गहन समीक्षा करने की बात भी कही गई है। मीसा भारती आई तरुण यादव के नाम पर सफाई देने। विशेष सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक और संतान के होने का दावा किया था, जिसका नाम उन्होंने तरुण यादव बताया था, जिसके बाद राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई थी। वहीं इसका जवाब देने के लिए मैदान में मीसा भारती उतरी हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि तेजस्वी का नाम ही तरुण यादव है। तेजस्वी यादव का निकनेम तरुण यादव है। हम लोग घर में तेजस्वी को तरुण नाम से पुकारते हैं। मेरा बेटा तेजस्वी को टीटू मामा से पुकारता है। जदयू के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत। पिछले 6 दिनों से चलते आ रहे वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का कल आखिरी दिन था, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल संवाद के दौरान गया, जहानाबाद, अरवल समेत कई जिलों के कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए। वहीं वर्चुअल संवाद के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा किए गए कामों को भी बताया। इतना ही नहीं, इन सभी लोगों को काम सौंपते हुए जनता के बीच जाने की अपील की है और सरकार की उपलब्धियों से बताने का काम शुरू करने को कहा है। श्रीलंका के बाद बीसीसीआई ने एक और दौरा किया रद्द। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के बीच बीसीसीआई ने एक और दौरे को रद्द कर दिया है। सबसे पहले बीसीसीआई ने भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे को रद्द किया था। वहीं अब अगस्त में होने वाले जिम्बाब्वे के दौरे को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, भारत का जून जुलाई में सीमित ओवरों का दौरा श्रीलंका के लिए होना था, मगर अब कोविड 19 की वजह से अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था। वहीं अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जिम्बाब्वे का दौरा भी रद्द कर दिया है। वहीं भारतीय टीम ने भी अब तक अपने प्रैक्टिस मैच की शुरुआत नहीं की थी। बैंकिंग के तरीके में जल्द हो सकता है बदलाव। कोविड 19 के इस माहौल में लगभग सभी सेवाओं को डिजिटली जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब कई बैंकों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप से बैंकिंग की सुविधाएं मुहैया करवाए जाने का फैसला सुनाया है। खबरों की माने तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और RBL बैंक ने व्हाट्सएप से साझेदारी कर ली है, जिसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंटीग्रेशन के बैंकों को बैलेंस इंक्वायरी, रूटीन अपडेट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और कुछ मामलों में बचत खाता खोलने की बुनियादी सेवाएं देने में मदद की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने व्यापारियों को दी राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने GST भरने वाले करदाताओं को लेट पेमेंट करने में राहत दी है, जिसके तहत सीतारमन ने छोटे करदाताओं को, यानी कि जिनका 5 करोड़ का टर्नओवर है, वैसे कार्यकर्ताओं को 6 जुलाई तक रिटर्न टैक्स भरने की अनुमति दी है। साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि तब तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद 30 सितंबर तक 9% ब्याज लगेगा। इस ब्याज को 18% से घटाकर 9% कर दिया गया है। आपको बता दें, जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक का GST भरने वालों से अधिकतम 500 रुपए लेट फीस लिया जाता था, मगर अब कोविड 19 के प्रभाव के बीच उन्हें राहत देने का ऐलान जारी किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है बबीता यादव, रंजीत मेहता, गुंजन कुमार, रवि रंजन भारती, धीरेन्द्र कुमार, पवन कुमार, प्रीति कुमारी, GK+, रानी सिन्हा, दिनेश कुमार, सरोज मांझी, पवन कुमार, विपिन कुमार, प्रियंका कुमारी, अर्जुन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी लगता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।